नमस्कार, न्यूज 111 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक मल्टीपर्पस आईडी कार्ड की बात कही है। इस कार्ड में पासपोर्ट, आधार और वोटर कार्ड सब कुछ समाहित होंगे। देश में इस वक्त आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो या वोटर आईडी कार्ड हो, जैसे कई आईडी कार्ड हैं जिन्हें एड्रेस और फोटो पहचान पत्र के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अमित शाह ने इन सब को एक कार्ड में समाहित करने का आइडिया दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने जो आइडिया दिया है उसके अनुसार वे चाहते हैं कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड जैसी अलग अलग कार्ड सब एक ही कार्ड में समाहित हो जाए। यही नहीं, उन्होंने आइडिया दिया है कि बैंक अकाउंट को भी इस कार्ड के साथ जोड़ दिया जाए। उन्होंने कहा है कि साल 2014 में नरेंद्र मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद से हमारे सोचने की क्षमता में बदलाव होने लगे हैं। देश को समस्याओं से मुक्त किया जाए, ऐसी प्लानिंग की शुरुआत 2014 के बाद हुई। इससे जनगणना रजिस्टर के सही उपयोग की शुरुआत हुई। हर 10 साल में होने वाली जनगणना भी साल 2021 में होने हैं। इस बात को अमित शाह ने बताया कि 2021 की जनगणना घर घर जाकर नहीं बल्कि मोबाइल ऐप के जरिए होंगे। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा सिस्टम भी होना चाहिए जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर जानकारी अपने आप पॉपुलेशन डाटा में जुड़ जाए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल इंडिया की शुरुआत की थी और घर घर में और कहले कि पूरे देश भर में डिजिटल इंडिया को लेकर के एक मैसेज दिया था और पूरे देश को डिजिटली एक्टिव बनाने की उन्होंने जोरदार कोशिश की थी। बीते दिनों अगर देखा जाए तो कई ऐसे गांव हैं जो आज डिजिटली स्ट्रांग हैं और आज बैंक खाते हैं वहां पर और लोग फोन के जरिए डिजिटली जो है वो सारी चीजों को करवा रहे हैं। अगर हम देखें तो पहले आधार कार्ड बनाने की प्रतिक्रिया जो थी वो लोग ऑफलाइन करते थे, लेकिन अब हर चीजें जो है ऑनलाइन चीजों की सुविधा अब मुहैया करवा दी गई है और डिजिटली जो चीजें हैं उनको बढ़ावा कुछ ज्यादा ही दिया जा रहा है। अब जिस तरीके से अमित शाह ने ये आइडिया दिया है और लगातार जिस तरीके से उन्होंने ये मल्टीपर्पस आईडी कार्ड की बात कही है, ये काफी फायदेमंद होगा लोगों के लिए, क्योंकि जिस तरीके से कई सारे कार्डों को कैरी करना पड़ता है और जब भी आपको इन सारी चीजों को दिखाने की जरूरत पड़ती है तो आपको तमाम वो सारी चीजें कैरी करनी पड़ती है, लेकिन अब ये एक कार्ड के निकल जाने से सारी चीजों को कैरी करना और अलग अलग कार्डों को कैरी करना नहीं पड़ेगा। एक ही कार्ड का इस्तेमाल कर आप तमाम वो सारी चीजों की जानकारी दे सकते हैं या फिर एक पहचान पत्र के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये काफी अच्छा है और लोगों को भी इससे काफी ज्यादा मदद मिलेगी और काफी ज्यादा सहूलियत होगी। फिलहाल इतना ही। तमाम ऐसे खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले। नमस्कार। न्यूज 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।